So, after definition of crystalline solid and amorphous solid and classification of crystalline solid, we have now introduced a term known as space lattice. What do you mean by space lattice? The three-dimensional arrangement of crystalline atom, molecules or ions in three-dimensional space is known as space lattice. The three-dimensional arrangement of constituent particle in space is known as space lattice. In space lattice, we also classify the different types of space lattice, in which they differ in their edge length, angles. Total 6 parameters are there: A, B, C, alpha, beta and gamma. If A equal to B equal to C and alpha equal to beta equal to gamma equal to 90, then this type of lattice is known as cubic unit cell or space lattice. In this space lattice, the smallest portion, which when repeated again and again, is known as unit cell. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल? यूनिट सेल को हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन व्हिच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू फॉर्म होल स्पेस लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल. दो नाउ वी क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन क्यूबिक बेस्ड सिस्टम. टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, it is of two types. First is primitive unit cell and other is non-primitive unit cell. In primitive unit cell, only atoms, molecules and ions are present only on the corner, not at other places. किसी और जगह पर नहीं होंगे, सिर्फ कॉर्नर पर रहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल. एंड इफ एटम, मॉलिक्यूल, आयंस along with corner some other places were also non-primitive unit cell. Non-primitive unit cell में क्या देखोगा? कॉर्नर के अलावा एटम, मॉलिक्यूल, आयंस थ्री डायमेंशनल स्पेस में कहीं पर भी और भी रहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल की क्लासिफिकेशन में हमारे पास सिर्फ एक नाम आता है, जिसका नाम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. और इस यूनिट सेल में एटम्स कहाँ मौजूद रहते हैं? कॉर्नर्स पर. और इसमें एक जेड होता है, जिसे हम बोलते हैं रैंक नंबर. तो जेड को डिफाइन करने के लिए 8 कॉर्नर पर अगर एटम्स लगे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8. 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो आंसर आएगा 1. इट मींस टोटल 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन मेक्स द यूनिट सेल विद 1 एटम पर यूनिट सेल. दिस इज नोन एज जेड. जेड इज नोन एज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल और रैंक नंबर. नाउ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम क्लासिफाई करेंगे तीन कैटेगरीज में. एक होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सेकेंड वन इज face centered cubic unit cell and the third one is end centered cubic unit cell. और इनके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना कि नॉन प्रिमिटिव हमने डेफिनेशन दी थी, जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस कॉर्नर के अलावा बॉडी के सेंटर पर भी होगा. इसके लिए हम जेड निकालेंगे. जेड इक्वल टू 8 कॉर्नर्स हैं, 8 इंटू 1/8 प्लस एक बॉडी पर है 1 इंटू 1. टोटल नंबर ऑफ एटम्स हाउ मच? 2. तो जेड रैंक नंबर की वैल्यू आएगी 2. और ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल इसलिए कहला रहा है क्योंकि कॉर्नर के अलावा इसमें बॉडी पर भी एक एटम प्रेजेंट है. और सेकेंड वन FCC, फेस centered cubic unit cell. Short form is FCC, face centered cubic unit cell. In this unit cell, atoms are present on corner as well as face centered of the unit cell. Unit cell के face पर भी मौजूद रहेगा, जहां पर भी Z बराबर 8 corners हैं, 8 into 1 by 8 plus 6 face हैं, 6 into 1 by 2. The contribution is face on 1 by 2, which discuss in our next lecture, जिसमें हम ये define करेंगे कि किस प्रकार से हम 1 by 8 और 1 by 2 ले रहे हैं, उसको निकालने के तरीके और कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. लेकिन यहाँ पर जब नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे 1 + 3, टोटल जेड की वैल्यू कितनी आएगी 4. तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 एटम्स पर यूनिट सेल आते हैं. नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. एंड सेंटर्ड मीन्स आफ्टर पोजिशनिंग द atoms on the corner side, 2 faces are there. Only 6 face mention हमने कर दी FCC में, वहां पर सिर्फ हमको 2 face लेनी है, या तो this one या this one and this one. If assume this room is a cubic based unit cell, then alternate faces are there. Z, number of atom per unit cell, 8 कॉर्नर में अरेंज है, 8 into 1 by 8 प्लस 2 ऑल्टरनेट फेसेस पर 2 into 1 by 2. देयरफॉर जेड इक्वल टू 1 + 1 = 2. सो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा कि हमारे पास प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव होते हैं. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड की वैल्यू 1 आती है. BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में Z की वैल्यू 2 आएगी हमारी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में Z की वैल्यू 4 आती है. एंड ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वी हैव Z इक्वल टू 2.